देखिए, हम मराठी अफेयर मिनिस्ट्री की अभी बहुत हाई लेवल मीटिंग हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स और यहाँ पर जो एलजी के एडवाइज़र हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और सभी लोग हैं, उनके साथ बहुत डिटेल मीटिंग हो गई है और बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन तमाम इलाकों में बहुत जल्दी ही इलेक्शन के फौरन बाद शुरू हो गए। देखिए, लेह और करगिल भारत की शान है और लेह के लोगों की आन बान शान का जो प्रण है हमारा, उसको हम परिणाम में बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो है वो यूटी बनाया, उसके साथ ही साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल शुरू किया और तमाम ऐसे केंद्र सरकार के कानून थे, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि लेह में लागू नहीं थी, करगिल में लागू नहीं थी, उसका सीधा फायदा होगा। और हिल काउंसिल का चुनाव इम्पोर्टेंट चुनाव है और हमें पूरी यकीन है कि हिल काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा फहराएगी और जीतेगी और उसकी मेजॉरिटी होगी। उसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों का जो देश की सुरक्षा है, देश के सम्मान है, उसके प्रति जो समर्पण है, उसका नतीजा है कि जो दुश्मन है वो सोचते हुए भी हिम्मत नहीं करता और उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। वो उसका मुख्य कारण है हमारे सुरक्षा बल और उस सुरक्षा बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ले के लोगों पर खड़ा होता है। सर, यहाँ का अभी भी आपके सामने भी बोल रहे थे सिक्स शेड्यूल की सेफगार्ड्स के लिए मांग। देखिए, यहाँ के लोगों के अधिकार, यहाँ के लोगों के कल्चरल सांस्कृतिक सुरक्षा, ज़मीन की सुरक्षा, रोज़गार की सुरक्षा और सभी तरह की सुरक्षा की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है और जितनी थी उससे 10 गुना ज़्यादा दी गई है। इसलिए सभी लोगों के सुरक्षा अधिकार सुरक्षित हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा है।